गुड मॉर्निंग। अच्छा आज नया चैप्टर। गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग। नया चैप्टर स्टार्ट करना है आज। तो थर्ड चैप्टर है आपका थियरी ऑफ मोनोपोली फर्म। ठीक है, एकाधिकार का सिद्धांत। ठीक है, तो एकाधिकार क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है, कौन बताएगा? हाँ ओके। तो क्या होता है एकाधिकार, जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है मोनोपोली क्या होती है। मोनो मतलब वन, ठीक है, और पोली मतलब कंट्रोल। ठीक है, एकाधिकार मतलब जहां पे, जिस मार्केट पे एक का ही अधिकार हो, सिर्फ एक सेलर का ही क्या है, एक इंडिविजुअल का ही क्या हो, कंट्रोल। ठीक है, उसको कहते हैं एकाधिकार। ठीक है, अभी इसके फीचर्स करेंगे। और बाकी इसमें क्या होता है कि वो एक ही प्रोडक्ट सेल करता है और उसका कोई प्रतिस्थापन नहीं मिलता। प्रतिस्थापन मतलब उसकी जैसी कोई और प्रोडक्ट नहीं मिलता, उसका कोई और सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, तो वो जो होता है, वो जो सिंगल सेलर होता है पूरी मार्केट में, ठीक है, पूरा कंट्रोल उसका होता है कि वो कितनी सप्लाई करे, कितने उसका प्राइसेस रखे। ठीक है, उसका पूरा कंट्रोल होता है। क्लियर है? मोनोपोली क्या होता है, एकाधिकार। आ गए आपको? ओके, तो क्या क्या बोलेंगे, एकाधिकार क्या है, मोनोपोली क्या है, जहां पे सिंगल सेलर हो, ठीक है, और वो जो भी प्रोडक्ट बेचे, ठीक है, तो उसका क्या है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिलता। ठीक है, कोई सब्स्टिट्यूट मतलब कोई भी प्रतिस्थापन नहीं अवेलेबल होता। और क्या होता है, वो खुद ही जो मोनोपोली होता है, वो खुद ही क्या करता है, प्राइसेस डिटरमाइन करता है और सप्लाई डिटरमाइन करता है कि कितनी सप्लाई उसको करनी चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दिया, किसने दिया था, भारत में रेलवे। ठीक है, जो रेलवे डिपार्टमेंट है, ट्रेन जो है वो सिर्फ एक कंपनी बनाती है पूरी इंडिया में। ठीक है, तो ट्रेन बनाने पे मोनोपोली हो गई सिर्फ एक कंपनी की। ठीक है, समझ में आ गई? क्योंकि ट्रेन और कोई कंपनी इंडिया में नहीं बनाती है, तो ट्रेन बनाने पे सिर्फ एक का अधिकार है, तो ये क्या हो गई, मोनोपोली हो गई, एकाधिकार मार्केट हो गया। समझ में आ गई? हाँ जी, क्लियर है सबको? ओके, फिर आपको क्या है, डेफिनेशंस दी हुई है। एक सेकंड, आपको डेफिनेशंस दी हुई है कोट्स यानिस की, ठीक है, और बामोल की। तो इसमें क्या है, इसमें आपको बता रखा है, एकाधिकार वह बाजार है जिसमें किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है। वह जिस वस्तु का उत्पादन करता है उसके निकटतम संस्थापन नहीं होते तथा अन्य फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है। मतलब उसने क्या कहा है, कोटसयानिस ने, कि एकाधिकार वह बाजार है, जो मोनोपोली वो मार्केट है जहां पे क्या होता है, सिंगल सेलर होता है। ठीक है, बेचने वाला यानी विक्रेता क्या होता है, सिर्फ एक ही विक्रेता होता है। और वो क्या करता है, जिस भी वस्तु का उत्पादन करता है, कुछ भी, कोई भी प्रोडक्ट का वो प्रोडक्शन करता है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, कोई संस्थापन नहीं होता। ठीक है, और कोई फर्म उस मार्केट में एंट्री नहीं कर सकती। ठीक है, प्रवेश नहीं कर सकती। समझ में आ गए? तीन कैरेक्टरिस्टिक बताए इसमें, तीन फीचर्स बताए मोनोपोली के। क्या, एक तो एक ही विक्रेता होता है यानी सिंगल सेलर होता है, दूसरा जिस वस्तु का उत्पादन करता है उसका निकटतम संस्थापन नहीं होता, ठीक है, कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या बताया, फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है, यानी कोई भी फर्म इस मार्केट में एंट्री नहीं कर सकती। क्लियर? डेफिनेशन कर लोगे आप? ठीक है, अच्छा अब करने हैं इसके फीचर्स, विशेषताएं, एकाधिकार के विशेषताएं। तो सबसे पहली और सबसे मेन विशेषता है इसकी, एक विक्रेता तथा अधिक क्रेता, वी वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। क्या होता है मोनोपोली में, क्या होता है एकाधिकार में, एक विक्रेता होता है यानी वन सेलर होता है और बहुत सारे
बायर्स होते हैं, क्रेता बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसको बेचने वाला कौन होता है? बेचने वाला सिर्फ एक होता है, ठीक है? उत्पादन करने वाले भी, बनाने वाला भी और बेचने वाला भी सिर्फ एक होता है। समझ में आ गई? एकाधिकार का मतलब पहला क्या है, एक विक्रेता तथा अधिक क्रेता, ठीक है? यानी वन सेलर होता है और मैनी बायर्स होते हैं, ठीक है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, ठीक है? सेकंड है, एकाधिकार फर्म उद्योग भी है। अब क्या है, जो फर्म है, एकाधिकार जो फर्म है वो अकेली होती है मार्केट में, ठीक है? तो वही तो फर्म होगी और वही इंडस्ट्री होगी। समझ में आई मैंने क्या कहा कि एकाधिकार जो फर्म है वो क्या होती है? एकाधिकार मार्केट बाजार क्या होता है? मोनोपोली मार्केट क्या होती है? जहां पे सिंगल सेलर हो, ठीक है, विक्रेता एक हो। जब वो एक ही है पूरे मार्केट में तो कंट्रोल पूरा उसी का होगा, यानी वो अपने आप में फर्म भी है और उद्योग भी है, ठीक है? इंडस्ट्री का काम भी वही करेगी और फर्म का काम भी वही करेगी। अब हमने परफेक्ट कंपटीशन वाला चैप्टर पढ़ा था, अभी लास्ट जो चैप्टर है उसमें क्या था कि फर्म जो है वो क्या होती है, प्राइस टेकर होती है, ठीक है? और इंडस्ट्री क्या होती है, प्राइस मेकर, कीमत निर्धारण करने वाली, और फर्म क्या होते हैं, कीमत स्वीकारक, ठीक है, प्राइस टेकर, कीमत स्वीकार करने वाली, ठीक है? लेकिन एकाधिकार क्या होता है, जो कीमत जो है वो, क्योंकि एक ही सेलर होता है, एक ही विक्रेता होता है, तो सारे काम वो अपने आप में फर्म भी है और अपने आप में इंडस्ट्री भी है, तो सारे डिसीजंस वो एक ही सेलर लेगा। क्लियर है? हाँ जी, ये पॉइंट समझ में आ गया? ओके। नए फर्मों के कई क्या, फर्म और इंडस्ट्री में डिफरेंस देखो, कई सारी फर्म्स मिलके क्या बनाती है, इंडस्ट्री बनाती है, ठीक है? इंडस्ट्री एक बड़े लेवल पे होती है, फर्म छोटी होती है, ठीक है? कई सारी इंडस्ट्री का मतलब है नंबर ऑफ फर्म्स, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, कई सारी फर्म मिलके एक इंडस्ट्री बनाती है, ठीक है? और मेन जो भी डिसीजंस होते हैं कि क्या प्राइसेस होने चाहिए, कितनी सप्लाई करनी है, कितना उत्पादन करना है, ये सारे जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं ये इंडस्ट्री लेती है, फर्म्स जो होती हैं उनको फॉलो करती हैं, ठीक है? ओके। थर्ड पॉइंट है, नई फर्मों में के प्रवेश पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ द न्यू फर्म्स। क्या होता है, क्योंकि इसका नाम ही एकाधिकार बाजार है कि एक का ही अधिकार है पूरे मार्केट पे, तो इसीलिए इसमें कोई और फर्म एंट्री नहीं कर सकती, इसीलिए इसमें प्रवेश पर प्रतिबंध है, बैन लगाया हुआ है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस है कि कोई और आकर इस पे क्या नहीं कर सकती, प्रवेश नहीं कर सकती, एंट्री नहीं कर सकती इस मार्केट, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट है, निकटम संस्थापन का अभाव, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, यानी इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, कोई स्थानांपन नहीं होता इसका, ठीक है? सब्स्टिट्यूट नहीं होता मतलब किसी और वस्तु को हम इसके स्थान पर प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है? अब रेलवे है, जैसे रेलवे का की मोनोपोली है इंडिया में, अब हम रेलवे की जगह एरोप्लेन तो नहीं यूज कर सकते ना, ट्रेन की जगह तो ट्रेन ही यूज करेंगे ना, यानी इसका क्या है, कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई क्या है, प्रतिस्थापन वस्तु इसकी नहीं मिलेगी आपको। समझ में आ गया? ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है कि नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, कोई भी निकटम संस्थापन नहीं होता मोनोपोली में, ठीक है? वो अपने आप में ही एक प्रोडक्ट होता है। समझ में आ गया? ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, कीमत निर्धारक, प्राइस मेकर। अब हमें पता है कि एकाधिकार में क्या होता है, सिंगल सेलर होता है, तो वो अपने आप में फर्म भी है और अपने आप में इंडस्ट्री भी है, ठीक है? तो जो भी डिसीजन लेना होगा कि कितना प्रोडक्शन करना है, कितना प्राइस रखना है, ठीक है, कितना कीमत निर्धारण करना है, तो वो कौन करेगी, वही फर्म करेगी, क्योंकि एक ही फर्म है और वही इंडस्ट्री है, ठीक है? तो कीमत का निर्धारण, प्राइस का डिटर्मिनेशन कौन करेगी, एकाधिकार फर्म ही करेगी, ठीक है, मोनोपोली फर्म ही करेगी, ठीक है? अच्छा,
और परफेक्ट कंपटीशन में कौन करते थे? कीमत निर्धारण उद्योग, हाँ जी, इंडस्ट्री करती थी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है कीमत विभेद, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब क्या होता है कि देखो, एक का अधिकार होता है, ठीक है, एक अधिकार बाजार पे, सिर्फ एक सिंगल सेलर होता है तो उसका ही पूरा कंट्रोल होता है। तो वो जितना उसका मन चाहता है, जो वो चाहता है उतना ही कीमत रख सकता है, ठीक है। और वो अलग-अलग बायर से, अलग-अलग क्रेताओं से अलग-अलग कीमत भी ले सकता है, ठीक है। इसको कहते हैं कीमत विभेद, यानी सेम वस्तु की, कि एक ही वस्तु के की कीमत अलग-अलग लेना, ठीक है, अलग-अलग व्यक्तियों से, यानी अलग-अलग बायर से अलग-अलग कीमत लेना, ठीक है। उसको कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेद। विभेद कर दिया, मान लो कोई मेरा जानकार है तो मैंने उसको कम पैसे पे दे दी वो चीज, ठीक है, और कोई और मेरे से वही सामान खरीदने लाया तो मैंने उसको, रेलवे, मान लो किसी किसी ने प्राइवेट, जैसे अब मान लो सरकारी लेती है, जैसे राज्य सरकारी लेती है रेल, ठीक है, ट्रेन खरीदती है, तो अब मान लो जिस कंपनी, उस कंपनी से किसी राज्य के अच्छे संबंध है, अच्छे रिलेशंस है, तो उसको थोड़े कम में दे देगी, ठीक है। और अगर मान लो जिसके साथ नहीं है थोड़े अच्छे संबंध, तो मन चाहा प्राइस वो रख सकती है, ठीक है, समझ गए। रेलवे में ऐसे दे सकती है वो, मान लो किसी से अच्छे रिलेशंस है। अब मान लो सरकार है, अब मोदी सरकार चल रही है, अगर मोदी सरकार के समर्थक है वो कंपनी, तो उसको जब सारा सप्लाई जो है वो टाइम पे करेगी, कम पैसे में करेगी। अगर समर्थक नहीं है तो क्या करेगी, महंगी देगी। मतलब क्या है कि हर एक इंसान को, मतलब हर एक इंडिविजुअल को वो अलग-अलग कीमत उनसे ले सकता है, ठीक है। फिर है सेवेंथ पॉइंट है पूर्ति वक्र का अभाव, एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व। इसमें कोई भी सप्लाई कर्व नहीं होता, पूर्ति वक्र नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इसमें हम क्या है, हम तय नहीं कर पाते कि कितना उत्पादन करना चाहिए, ठीक है, और उसकी कितनी कीमत रखनी चाहिए। एक बार में हम लोग नहीं कर पाते, मतलब जो मोनोपोलिस्ट होता है, एकाधिकारी होता है, वो निर्णय नहीं ले पाता कि कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, यानी कितनी सप्लाई करनी चाहिए, इसीलिए उसका पूर्ति वक्र नहीं होता। कभी भी मोनोपोली में सप्लाई कर्व नहीं होता है, ठीक है, हाँ जी। क्या कह रहे हो, क्योंकि वो तय नहीं कर पाता कि कितनी सप्लाई कर, क्योंकि वो सिंगल सेलर होता है ना, ठीक है। और क्या होता है, सीमांत आय और सीमांत लागत दोनों एक साथ ध्यान में रखनी पड़ती है, यानी एमसी और एमआर, ठीक है, एमसी सीमांत आय और सीमांत लागत, एमसी और एमआर दोनों को एक साथ ध्यान में रखकर यह तय करना करना होता है कि कितना उत्पादन करना चाहिए, क्या कीमत निर्धारित करनी चाहिए, ठीक है। तो वो नहीं कर पाता इजीली, इसीलिए क्या होता है, उसका कोई पूर्ति वक्र नहीं होता, सप्लाई कर नहीं होता, क्योंकि उसको सीमांत आय और सीमांत लागत, यानी एमआर और एमसी एक साथ लेकर चलने होते हैं, ठीक है, और वो ये डिसीजन नहीं ले पाता कि इसको कितनी सप्लाई करनी चाहिए, ठीक है। तो सारे पॉइंट समझ में आ गए आपको, मोनोपोली के, एकाधिकार के, सिंगल लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ठीक है, यानी एक विक्रेता होता है लेकिन अधिक क्रेता होते हैं, ठीक है। सेकंड क्या पढ़ा है हमने, एकाधिकार फर्म उद्योग भी है, मोनोपोली इज आल्सो एन इंडस्ट्री, कि अपने आप में फर्म भी है और अपने आप में इंडस्ट्री भी है, क्योंकि क्योंकि ये क्या करता है, पूरा कंट्रोल जो होता है वो एक के ही हाथ में होता है। थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा, नई नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध, ठीक है,
कि रिस्ट्रिक्शंस होता है कि कोई भी फर्म एंट्री नहीं कर सकती इस मार्केट में, क्योंकि एक का ही कंट्रोल होता है इस मार्केट में। क्या है, अगर किसी और फर्म ने एंट्री कर दी तो वो मोनोपोली नहीं कहलाएगी, ठीक है। एक भी फर्म अगर एंट्री कर दी तो वो ड्यूपोली कहलाएगी, ठीक है। समझ में आ गए, जिस जहां पर दो का अधिकार हो। फिर क्या है, निकटम संस्थापन का अभाव, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, कोई भी प्रतिस्थापन इसका नहीं होता, कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं देखने को मिलता। फिर है कीमत निर्धारक, प्राइस मेकर। इसमें क्या होता है कि जो फर्म है वो अपने आप में क्या होती है, कीमत निर्धारक होती है, वही सारे निर्णय लेती है कि इस वस्तु की कीमत क्या होनी चाहिए। छठा पॉइंट है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेद, ठीक है। यानी मोनोपोलिस जो है वो एक ही वस्तु को अलग अलग कीमतों पर बेच सकता है, ठीक है। फिर सेवेंथ पॉइंट है पूर्ति वक्र का अभाव, क्योंकि इसमें क्या होता है, सीमांत आय और सीमांत लागत को लेकर चलना होता है, एक साथ स्टडी करना पड़ता है, एक साथ ध्यान में रखना होता है MR और MC को। तो इस वजह से क्या होता है कि जो मोनोपोलिस्ट है, एकाधिकारी है, वो ये डिसीजन नहीं ले पाता कि कितनी सप्लाई करनी चाहिए उसको, ठीक है, और कि उस सप्लाई का, उस वस्तु का जो है, यानी कितनी कितना उत्पादन करना चाहिए और उन वस्तुओं की कीमत क्या रखनी चाहिए। इसीलिए मोनोपोली का कभी भी सप्लाई कर्व नहीं होता, पूर्ति वक्र नहीं होता, ठीक है। क्लियर है सबको? ओके। अब क्या है, मोनोपोली इक्विलिब्रियम, एकाधिकार में संतुलन, ठीक है। और हम निकालेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट अंडर मोनोपोली, एकाधिकार में कीमत तथा उत्पादन का निर्धारण, कि कहाँ पे हमारा उत्पादन निर्धारित होगा और कहाँ पे हमारी कीमत निर्धारित होगी, ठीक है। कहाँ पे हमारा प्राइस, कितना प्राइस रखेंगे मोनोपोली में और कितना आउटपुट होना चाहिए, तो ये हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे निर्धारित करते हैं वो देखते हैं। तो हमारे पास दो दृष्टिकोण है, दो अप्रोच है, एक तो है कुल आय तथा कुल लागत वक्र दृष्टिकोण, ठीक है, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के हिसाब से हम देखेंगे। दूसरा है सीमांत आय तथा सीमांत लागत दृष्टिकोण, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। तो ये दोनों अप्रोचेस की हेल्प से हम क्या देखेंगे क्या प्राइसेस होने चाहिए प्रोडक्ट के और क्या कितने लेवल पे हमें उत्पादन करना चाहिए, ठीक है। तो मैं ड्रॉ करके बताती हूँ, सेकेंड रुकना। हाँ जी, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, कॉस्ट और रेवेन्यू, ठीक है। यहाँ हमने लिया आउटपुट, ठीक है, ओ एक्स एक्सिस पे क्या लिया, आउटपुट, और ओ वाई एक्सिस पे कॉस्ट और रेवेन्यू, ठीक है। अब हमें ये देखना है टी आर और टी सी बनाना है, ठीक है। टी आर कहाँ से बना, हमारा टी आर बना ये, ठीक है, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या आता है, जितना हमने उत्पादन जो जितना किया उसको बेचने के बाद कितनी हमारी आय, हमने हमें कितनी आय प्राप्त हुई, यानी कितना रेवेन्यू हमें मिला प्रोडक्शन को सेल आउट करने के बाद, उसको कहते हैं टी आर, ठीक है। तो ये जीरो से स्टार्ट होती है। जीरो से क्यों स्टार्ट होती है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन जीरो है, आउटपुट जीरो है, तो टोटल रेवेन्यू भी जीरो होगा। क्लियर है? हाँ जी, समझ में आ गया। फिर हमें बनानी है टोटल कॉस्ट, टीसी। टीसी जो है वो ऊपर से शुरू होती है, टीसी ये ऊपर से क्यों शुरू होती है, पी पॉइंट से शुरू हो रही है, क्यों, कोई बता सकता है?
हाँ जी फिक्स्ड कॉस्ट होती है, TFC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, कि चाहे हमारा उत्पादन हो चाहे ना हो फिक्स्ड कॉस्ट तो हमें पे करनी होती है। फिक्स्ड कॉस्ट में क्या आ जाता है, मान लो क्या है, अगर हमने कोई लैंड जो है वो रेंट पे ले रखी है उत्पादन के लिए और हम उत्पादन कर भी नहीं रहे हैं, बट हमें रेंट तो देना पड़ेगा ना ये लैंड का, ठीक है, तो वो क्या होगी, फिक्स्ड कॉस्ट होगी, कि चाहे उत्पादन हो चाहे ना हो हमें वो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। क्लियर है? ओके, ये है एम पॉइंट, ये है एन पॉइंट, जहां पे क्या है TR और TC इक्वल है, यहाँ पे भी TR TC इक्वल है। अब हमें बनाना है प्रॉफिट कर्व, क्योंकि मोनोपोलिस्ट है, मोनोपोलिस्ट फर्म, मोनोपोली फर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मोनोपोली एक का अधिकार होता है तो वो अपना प्रॉफिट भी देखेगा। अब हमें ये देखना है कि प्रॉफिट वो किस पॉइंट पे देखेगा, तो प्रॉफिट कर्व हमारा कुछ ऐसे बनेगा। ये ऐसे ही सी है TP, ठीक है। अब ये कैसे बनता है ये देखो, ये देखो हमने इसको तीन उसमें तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। M है, M पॉइंट से पहले TR ज्यादा है या TC ज्यादा है, देख के बताओ। TC ज्यादा सबको दिख रहा है, M पॉइंट से पहले TC हमारा ज्यादा है और TR कम है, यानी लागत ज्यादा लग रही है और रेवेन्यू कम आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट कम होगा। हाँ जी, प्रॉफिट नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि लागत ज्यादा लग रही है और आर कम है, ठीक है, कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू कम है, तो हमारा प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव में जाएगा। क्लियर है? फिर एम पॉइंट पे क्या है, TR और TC इक्वल है, ठीक है, एम पॉइंट पे क्या है, TR और TC इक्वल है, तो क्या आ जाएगा, हमारा जो है प्रॉफिट जो है वो C पॉइंट पे आ जाएगा। क्लियर है? यानी X एक्सिस पे लाई करेगा। अब देखो इसके बाद, देखो M पॉइंट के बाद TR ज्यादा है या TC ज्यादा है, TR ज्यादा है, देखो ये है TR वाली लाइन, तो ये ऊपर से जा रही है, तो इसमें क्या है, TR ज्यादा है, यानी हमें रेवेन्यू ज्यादा मिल रहा है और कॉस्ट हमारी कम लग रही है, तो हमें प्रॉफिट होगा, हमारी लागत कम लग रही है, आगम कम, सॉरी आगम ज्यादा है लागत कम है, तो हमें प्रॉफिट होगा। और ये जो पॉइंट है, ये AB वाला पॉइंट है, अगर हम इस पॉइंट पे देखेंगे जहां पे क्या है, इनका गैप जो है TR और TC का गैप जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ है, यहाँ है इस पॉइंट पे, देखो यहाँ पे कम होता जा रहा है, यहाँ पे भी कम है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या है, TR और TC के बीच में अंतर जो है वो सबसे ज्यादा है। जब भी TR और TC के बीच का जो डिफरेंस है, गैप है, अंतर है, वो सबसे ज्यादा होगा, उसी पॉइंट पे प्रॉफिट हमारा सबसे ज्यादा होगा। समझ में आया? जितना इन दोनों में गैप होगा उतना ज्यादा हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहाँ मिल रहा है, AB पॉइंट पे, ठीक है, तो AB पॉइंट पे जो है हमारा जो प्रॉफिट है वो अधिकतम हो जाएगा, ठीक है, लाभ अधिकतम हो जाएगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा, किस पॉइंट पे, E पॉइंट पे। क्लियर है सबको? ठीक है, फिर देखो धीरे 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 ये कम होता जा रहा है, तो प्रॉफिट भी कम होता जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या था, M पॉइंट के बाद धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, फिर मैक्सिमम हो गया, इसीलिए सी पॉइंट के बाद प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है, फिर वो मैक्सिमम हो गया, इस पॉइंट के बाद वो घटता जा रहा है, तो ये भी प्रॉफिट भी घटता जाएगा, ठीक है। अब एन पॉइंट पे देखो, एन पॉइंट पे क्या है, टीआर और टीसी एक दूसरे के इक्वल है, तो फिर से हमारा जो प्रॉफिट कर्व है वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, यानी ये पॉइंट आ गया डी। क्लियर है? अब इसके बाद देखो, एन पॉइंट के बाद देखो,
टीसी ज्यादा है या टीआर ज्यादा है? क्या टीसी ऊपर है, टीआर नीचे है? तो एंड पॉइंट के बाद क्या होगा, लागत ज्यादा लग रही है, रेवेन्यू कम है, तो हमारा प्रॉफिट फिर से नेगेटिव में आ जाएगा। क्लियर है? आ गया ये डायग्राम कैसे बना होता है। लास्ट वाला ये है कि एन पॉइंट के बाद देखो टीआर ज्यादा है या टीसी ज्यादा है। टीसी ज्यादा है ना, देखो टीसी वाला ये है, टीसी ऊपर है, टीआर नीचे है, क्या होगा, हमारी लागत ज्यादा लग रही है और आय कम है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, डी पॉइंट के बाद प्रॉफिट नेगेटिव में चला गया। क्लियर है ये डायग्राम? ओके, तो कहां तक प्रोडक्शन करेगा, इसका क्या कंक्लूजन निकला कि जो मोनोपोलिस्ट है वो ओ क्यू पॉइंट तक अगर उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है, तो उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, क्लियर है, इस लिमिट तक वो प्रोडक्शन कर सकता है। अगर वो यहां, सॉरी, अगर वो यहां तक प्रोडक्शन करता है तो उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। अदरवाइज और कहीं पे प्रोडक्शन करेगा तो उसका प्रॉफिट कम होगा, लेकिन ओ क्यू पॉइंट पे उसका सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। क्लियर है, समझ में आ गया डायग्राम? ओके, हाँ जी, क्या कह रहे हो? अब जैसे हमने टीआर इसमें थोड़ा सा कर्व बनाया, ठीक है, लेकिन सीधा बनाया था, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ये होता है, सिर्फ ये डिफरेंस होता है। इसमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक सेलर होता है और उसका पूरा कंट्रोल होता है, इसीलिए हम थोड़ा सा कर्व बनाते हैं, क्योंकि ज्यादा क्योंकि उसको प्रॉफिट जो होता है वो सिर्फ एक में, मतलब वो बढ़ता नहीं है, प्रॉफिट सिर्फ एक को मिलता है और जो रेवेन्यू है वो घटता बढ़ता रहता है, एक जैसा नहीं चलता, ठीक है, कभी घटती दर से बढ़ेगा, कभी बढ़ती दर से बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स होते हैं और बहुत ही सारे बायर्स होते हैं, इसीलिए हमारा जो टीआर कर्व है वो स्ट्रेट चलता है, ठीक है, स्ट्रेट जाता है, क्योंकि सब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसीलिए। समझ में आ गया? ओके, तो हम लोग आगे करेंगे इसको, कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाँ जी।